जुकान है। इंडस्ट्री का डॉन किंग कौन सा मॉन ड्रैगन किंग टोन हार्मोन अनोन ब्राउन टोन फ्लाइट। तो जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, अभी मैं जा रहा हूँ कल भी विलेज के लिए और तो काफी मजा आ रहा है यार। और मेरा पहला टाइम है यहाँ पे इस जगह पे, बिल्कुल ही न्यू एक्सपीरियंस है। लैंग्वेज बैरियर था बट बहुत अच्छे से इन्होंने भी मेरे को बुलाया था, उन्होंने बात की और उन्होंने ही बताया कि ऐसे ऐसे जाना है, ये करना है, तो काफ़ी नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मेरे को बता रहे थे कि यहाँ पे आराम से बैठ भाई, कोई सीन नहीं है, चिल है बिल्कुल एकदम। और भाई बाहर का व्यू देखो यार, मतलब जन्नत ब्रो, जन्नत, लिटरली जन्नत यार। अभी मैं पहुंच गया। आपका नाम क्या था? मेरा नाम प्रदीप। प्रदीप भैया ने मेरे को यहाँ तक छोड़ा सुबह सुबह, हम थोड़ा रास्ता भूल गए थे बेटा, मैं एट लास्ट एट द पॉइंट पहुंच चुके हैं। तो ये है कलरी विलेज, में भी मैं दिखाता हूँ आपको आगे का। थैंक यू। सो अभी मैंने मतलब छोटा मोटा सामान सामान तो यहाँ पे मिल गया, बट अगर मेरे को चप्पल लेनी है तो उसके लिए मेरे को कम से कम 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। वो चप्पल का मिशन कैंसिल करते हैं, अभी जस्ट यहाँ पे घूम रहा हूँ। और सही है ब्रो, ये बहुत ब्यूटीफुल जगह है, प्रॉपरली ऐसा लग रहा है रेन फॉरेस्ट के बीच में हुआ है। काफ़ी सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं और सही है। कल करते हैं, अब कल रिव्यू स्टार्ट। कल मैं जैसे भी नहा धो के रेडी हो चुका हूँ बढ़िया, और अभी जस्ट ब्रेकफास्ट आ रहा है भाई, और अब ब्रेकफास्ट करेंगे। सो मेरा यहाँ का पहला, केरला का पहला ब्रेकफास्ट, मतलब पहला फूड जो मैं खाऊँगा, और बताता हूँ कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा फूड है। मतलब मेरे लिए तो बहुत चेंज हो गई, यू नो लाइक नॉर्थ इंडियन बिल्कुल ही अलग फूड। देखते हैं पुट्टू और पायर। सो पुट्टू कौन सा है? ये वाइट वाला मलयालम। हाँ मलयालम में आप बोल लीजिए। पुट्टू पायर। पुट्टू पायर, पायरू पल्सिस, पल्सिस बोला दाल। दाल मेरा आज का फर्स्ट फूड है, पुट्टू एंड पायर, मतलब दाल और आई थिंक चावल, चावल के पाउडर से बनी हुई चीज़ है और उसमें नारियल भी डालते हैं। तो आज है पहला दिन मेरा कैलरी का, तो पूरे दो दिन आ चुके हैं और सबसे पहले वो मेरा पूजा, वो भी पूजा का काम होता है। और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करें। अभी जस्ट वर्कआउट करके आया ब्रो, और सही एक्सपीरियंस था, पहली बार मैंने सारी चीज़ सीखी। मेरे को मतलब डिफ़िकल्टी पोजिस से ज़्यादा बस लैंग्वेज में आई, मेरे को लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी। वो लेफ़्ट बोल रहे थे मैं राइट कर रहा था, राइट बोल रहे थे मैं लेफ़्ट कर रहा था, और बाकी सब कुछ सही रहा। मतलब काफ़ी सही वर्कआउट हुआ, और बस जब बैठने की पोजिशन आ रही थी तो थोड़ा लाइक हैवी होने के कारण तो कुछ कुछ पोजिशंस में बैठ नहीं पा रहा था ढंग से, बट काफ़ी सही वर्कआउट रहा। फिर गुरुजी आए, उनको गुरु दक्षिणा वगैरह में मैंने हिमाचल से कैप लेके आया था वो दी, और कुछ पत्ता दिया था मेरे को और कोई एक नींबू से रिलेटेड फ्रूट था। सो काफ़ी सही एक्सपीरियंस था यार पहली बार। बाकी बताऊँगा मैं अभी, अब जस्ट इसके बाद मैं नहाऊँगा। और मेरे एक यहाँ पे दोस्त बना है अमर, अमर मेरे साथ है। और तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा ब्रो आज का? और तुम तो आई थिंक तुम्हारे को 2 वीक हो चुका है ना? हां, सो इट्स लाइक 2 वीक्स डन हियर। सो व्हाट्स योर एक्सपीरियंस राइट नाउ, लाइक आफ्टर? इट्स टू इंटेंस, लाइक फर्स्ट 1 वीक वी स्ट्रगल टू डू एनीथिंग। सो आई सी इन हैजो, ही इज डूइंग लाइक वेरी वेल, ही ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड योगा इट सीम्स। सो ए बिगिनर इज like for a beginner he is doing very well.
थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। इट्स लाइक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भाई पहले दिन ही, और काफ़ी यार नेचर में रह के ना मतलब मेरा दिल ही खुश हो जाता है, यू नो लाइक पहाड़ी बंदे तो लाइक नेचर आसपास हो तो सही फील रहती है। बाकी गुरु बहुत सही थे यार, वो मस्त बंदे लगे, लाइक यंग ही थे, लाइक इज लाइक 35 ईयर ओल्ड और बट ही इज़ प्रैक्टिसिंग फ्रॉम 25 ईयर्स, सो बहुत बड़ी बात है भाई। और उनके दादाजी भी यही करते थे। तो वैसे मैं जाता हूँ, थोड़ा पुराने व्लॉग्स को भी एडिट करता हूँ और रोज़ अपने दोस्तों के बारे में जो जो मेरे नए दोस्त हैं बने हैं सारी सारी स्टोरीज आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। सो देखते रहे मेरे इस नए नए व्लॉग्स को, बाय। तो एक नई चीज़ मेरे को आज पता लगी कि अगर थैंक यू बोलना है किसी को मलयालम में तो नन्नी या नमस्कारम।